रहीम عليكم स्टूडेंट दी एजुकेटर्स अनाबद कैम्पस ऑनलाइन सिस्टम में मैं शाजी अजीम आपको खुश आमदीद कहती हैं जी तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कुरान पाक का तारफ़ कुरान पाक के तारुफ़ में तीस पारे हैं एक सौ चौदह सूरतें हैं पाँच सौ अठावन रकूह हैं सात मंजिलें हैं चौदह सत्ते चौदह सजदे और सात सत्ते हैं आगे चलते हैं इसके तलावत की तरफ जी तो स्टूडेंट क़ुरान मजीद की तलावत का बहुत ज़्यादा सवाब है ये तो आपको भी पता होगा एक एक हर पर दस नेकियां मिलती हैं और स्टूडेंट इसकी तलावत पर खसूसी तोज़ो की ज़रूरत होती है ज़रा सी छोटी सी भी ग़लती करने पर मानी और मफहम दोनों इसके बदल जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था इशा का नाबुदो से इसका मतलब है अला इशा का नाबुदो ईशा का नस् हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तू ही हमें सीधा रास्ता दिखाने में तू ही हमारी मदद करने वाला है अगर हम इसको उल्ट पढ़ेंगे अशा का नाबुदो तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्ला इसका मतलब चेंज हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट तो आपको पता है ना चेंज होने से क्या होता है तो हमें इस पर सवाब नहीं मिलेगा बल्कि ज़्यादा होना मिलेगा तो जब भी आप कुरान पाक पढ़ना है तो आपने से इसके ज़ेर जबर शद मत की ख़याल रख कर पढ़ना है आज हम पढ़ने वाले हैं सूरत अलम नशरा ओके इसका एक रुकू इसमें है और इस पर आठ अयात हैं कितने रुकू हैं इसमें एक रुकू है आठ याद हैं और यह सूरत मक्की है यानी कि यह मक्का में नाजिल हुई है जो मक्का में नाजिल हो उसको कहते हैं मक्की या ओके स्टूडेंट क़ो अलम निरमनश्र का स्वाद ووطعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب सौदा कल्हल आई होप सो उम्मीद कर सकती हूँ मैं कि आप सबको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से पढ़ना अगर नहीं आई किसी भी वर्ड की तो उसको अगेन आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसको सही तलफ़ के साथ हा की अदायगी करें दुआ की करें आइन की करें और फिर इसको आप याद करें ज़ुबानी याद करना है आपने और मैं इसका ऑनलाइन आपसे टेस्ट ले लूँगी ओके अपना ख्याल रखिएगा फी अमानी